नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चौधर की जंग। चौधर की जंग इसलिए भी क्योंकि सरपंची के जो चुनाव हैं वो लगातार लेट हो रहे हैं, जिसके चलते गांव के विकास कार्य रुक गए हैं और ग्रामीण लगातार अब मांग कर रहे हैं कि जो भी विकास कार्य हैं वो जल्द पूरे हों। और इसी कड़ी में जिस तरह सोनीपत जिलों के अन्य गाँव हैं, आज सोनीपत के गाँव रोहट में पहुँचे हैं। और रोहट गाँव की बात कर ली जाए तो 4,100 वोट हैं, जिनमें से 1,500 वोट महिलाओं की हैं। इसके अलावा बुजुर्ग, युवा और जेंट्स की वोट बताई गई हैं। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या अगर निकल कर सामने आई है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर बना तो गया लेकिन वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो फिलहाल गायब हैं। बात ग्रामीणों से कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो ये जो सरपंच है वो नहीं है, 2 साल चुनाव लेट हो गए हैं। प्राथमिकता क्या होती है सरपंच की, किस लिए जरूरी है गाँव में? गाँव में सरपंच इसलिए जरूरी है, सरपंच का काम होता है गाँव की जन समस्याओं को उठा के और सरकार तक पहुंचाना, गाँव की गलियां बनवाना, उनके लिए लाइट का प्रबंध करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना और गाँव की समस्याओं को पूरा करवाना। लेकिन सरपंच तो गाँव में 2 साल से है ही नहीं। अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारियों के पास जनता की इतनी अच्छी सुनवाई नहीं होती जितनी अच्छी सरपंचों के पास सुनवाई होती थी जनता की। अब गांव में समस्या को ले ले, जैसे ये बिजली के तार हैं उनके लिए कई बार हम प्रशासन के पास जा चुके हैं कि गांव में बिजली के तार ना, जो पेड़ हैं इन पेड़ों से टच हो रहे हैं, करंट आने की संभावना बनी रहती है, इनको केबल की डोरी लगाई जाए, लेकिन आज तक प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। इसके अलावा क्या समस्या जी आपके गाँव की? गाँव में सब में ज़्यादा समस्या है, साफ सफाई नहीं हो रही है, और क्या नाम है, उस समय जो स्वास्थ्य केंद्र है उन पर वो नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती ना, दवाइयाँ मिलती डॉक्टर के रहने के लिए, जो फ्लैट वगैरह वहाँ पे कुरडिया पड़ी हैं, हॉस्पिटल में मान ली कुरडिया होगी तो कैसे वो चलेगा। गलियाँ वे नहीं बन रही आधी, जो खेतों के गुंडे हैं वे उनमें इतना पानी हो जाए, वे आधे तो बना दिए आधे कदी छोड़ दिए, तो इस समय ज़्यादा समस्या है। सरकार एक बात कह रही है कि चुनाव सिंबल पर हों, क्या ठीक है? सिंबल पर चुनाव होने चाहिए, सिंबल पे चुनाव होने चाहिए, जो मान ले पार्टी वाले हैं मान ले विकास करेंगे। हम तो ये कहें जल्दी से जल्दी इलेक्शन की इलेक्शन हो जाए और जो काम हुआ हमारा तुरंत हो जाए। पहली बार पढ़े लिखी सरकार बनाई गई थी, गांव से शुरुआत की गई थी कि पढ़े लिखे सरपंच बनाए गए थे, क्या कोई बदलाव दिखा? उम्मीदों पर खरा उतरे या नहीं उतर पाए? खरे उतरे, 100% जी। अच्छा काम किया सरपंच ने, लेडीज सरपंच है, नो प्रॉब्लम, और बहुत अच्छा कार्य किया है और करती कर रही है। अब वो सरपंच नहीं है तो उसमें उसका क्या दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। और गांव में जी, गांव में समय ज़्यादा समस्या ये है, जो हमारा अड्डा एक है, मान ली जो कॉलोनी वाले हैं मान ली उन आने में दिक्कत हो गई इतनी, क्योंकि आपने देखा होगा कॉलोनी वहाँ से स्टार्ट हो जाए, और गाँव में जो बस अड्डे वे दो होने चाहिए, एक कॉलोनी साइड भी होना चाहिए, जो वहाँ के वे हैं वो वहीं तक मान ले वो कर ले, स्टूडेंट है पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी समस्या आती है, मान ले बस उनकी लेट हो जाती है, यहाँ पे आते बेचारे 1-1.5 किलोमीटर, तो गांव में बस स्टैंड तो होने चाहिए। हम तो नहीं कहा प्रधान महावीर जी सरपंच है जी, हमारी पहली तो गाल की सुरक्षा होनी चाहिए, गाल में लोग भी ऐसे मतलब लत्ते भी काट गए चलने देखते हैं, जो कई दिन हो गए हमने दिखाई थी, सेक्रेटरी भी आया था भला आप SDM दूर जाओ, ये मारा के काम SDM दूर जाना, जब प्रधान गांव का है कि गाल पूरी बनवा दी, इसको काम बढ़िया कर रहा है, पर बाकी दणका की गाल इसको रोक दी भाई, उसकी बिजली की समस्या ज़्यादा है जी। जैसे 2 किले का फैसला है तो तार जहाँ तार तार के जिसके बढ़ने का जहाँ है तार तार के फेंक दे हैं तो उड़े तो लंबी तार हो जाए है, इसकी बिजली की ज़्यादा समस्या है, तार भी गाड़ में आगे गाड़ में आग पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीण अपनी समस्याएं रख रहे हैं। आप क्या कहोगे सरपंच की कितनी प्राथमिकता गांव में होती है, और सरकार में सरपंच जब कार्य करता है तो सरकार में भी कुछ होता है कि सरकार जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं या नेता हैं सरपंच की मानते हैं? सर अगर सरपंच के बगैर तो गाँव में कोई विकास कार्य हो ही नहीं पाता, जबकि अगर कोई सरपंच कर्तव्यपरायण है और नेक नीति से जो काम करता है लगन से तो गांव में बहुत कुछ विकास कार्य करा सकता है, लेकिन समस्याएं तो हमेशा बनी रही हैं और कुछ समस्याएं ही रही जाती हैं। अभी भी जो है बस्ती में हमें जो एक बस स्टॉप एक बस्ती के साथ में जो काफ़ी मतलब पंचायत की जगह है उसमें गंदा पानी खड़ा रहे हैं, वहाँ एक बच्चों के लिए पार्क के बुजुर्ग के बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए। सबसे पहली समस्या तो गाँव में
सफाई की है। एक सफाई कर्मचारी 6 महीने पहले गुजर गया, दूसरे के बारे में लिख कर दिया, 2 से काम नहीं चल रहा, 3-4 सफाई कर्मचारी चाहिए। काफ़ी बड़ा गांव है, 7-8 हज़ार जनसंख्या है और नाली और फ्लो हो गया, गली में पानी चलता है, गली बैठ जाती है पानी की वजह से, सारी सिस्टम खराब हो गया, सारी गली खराब हो गई, तमाम नाली रुक गई, कोई सफाई नहीं करती। एक लेडीज है वो ना रिक्शा खींच सकती ना वो सफाई कर सकती, 200 गली होगी गाँव में, अगर मान लो काम करेगी तो एक गली में करेगी। सामने स्कूल है, स्कूल में लोग मछलियों में दाना डालते हैं, पन्नी डालते हैं, 5-6 हमने सफाई ड्रम लगवा दिए, अब उन पन्नियों को कहाँ ले जाएँ? एक सफाई कर्मचारी है, उनमें इकट्ठी करके आग लगाएं तो प्रदूषण वाले कहते हैं भाई आपने आग कैसे लगाई, तो उसका भी वहाँ समाधान हो कि उस स्थाई जगह टोली जगह में भाई उनको इकट्ठी करके सफाई कर्मचारी जल्दी से जल्दी लगाया जाए। मेन समस्या तो यह सफाई की। दूसरी समस्या ये है, जिस दिन से पंचायत का अवस्था जमा आया है उसी दिन से गाँव में नजायज कब्जे हो रहे हैं। सेक्रेटरी वीडियो कंप्लेंट जाती है, कोई भी करो कंप्लेंट, वो 2-1 नोटिस 2 नोटिस 3 नोटिस देता है, हफ्ते हफ्ते नोटिस का टाइम होता है, इतना गला बना के तैयार कर दे है, ना कोई सुनाई करता। पहले नोटिस पे अगर नहीं मान रहा तो उसको FIR कराओ, अपने आप पार्टी रुकेगी। कम से कम 6-7 जगह गांव में नजायज कब्जे कर लिए, पंचायत की ज़मीन है, 17 किले पर दौड़ी का कब्जा है, उनके केस चल रहे हैं, दौड़ी के बीघा 2 बीघा दौड़ी हुआ है, ये थोड़ा पंचायत के 20-20 किले के कोई मालिक है, किसी पंचायत ने उसको रेजुलेशन नहीं कराया, किसी नाम नहीं कराई, ज़बरदस्ती रिकॉर्ड में चढ़ा दी, कब्जा कर रही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो कि है ना गाँव का विकास करवाए और अपना पढ़ा लिखा होना चाहिए और साफ सफाई का ज़्यादातर वो है जी। सरपंच कैसा हो, हालांकि जो पंचायत के जो बस्ते कह रहे जमा हो गई है। पहली बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो ऐसे हमारे गाँव में तालाब में 4-5 उनमें रिटर्निंग वाल नहीं, उनमें गाँव में गंदा पानी जा रहा है, 1-2 तालाब हम गाँटनी है, ये जरूरी है कि स्कूल के आगे 2 तालाब है ना उसकी लेटरिंग वॉल बनाएंगे, उसके ऊपर पक्का किया जाए तो घूमने का हो जाए। जैसे एक मेन समस्या पानी की है जी, पानी में गांव में है 33 वाल और वो पानी चलाने वाला एक ही बंदा सिर्फ, तो वो पूरे दिन कैसे चलाएगा, महीना भी लग जाएगा, 2 महीने भी लग जाए, 3 महीने, 1 साल से एक बंदा चल रहा है, वो कैसे चलाएगा पानी को। एक सामुदायिक केंद्र की बात निकल कर आई थी। हाँ, वो तो उसमें भाई साहब गोशे पत्थर हैं, मैस बंद हैं, 4 दीवारी नहीं है, एक उसके फ्रंट पे ही है, काफ़ी होगा मेरे ख्याल 300-400 का जो झील में उसमें पानी गंदा पानी रहा है। गांव रोहट के निवासी हैं, उनसे बात निकल कर आई, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहां पर चाहे पशु का अस्पताल है या फिर जो यहां की जनसंख्या है, जो नागरिकों का अस्पताल बनाया गया है, वहां से ही मूलभूत सुविधाएं गायब हैं। इसके अलावा बिजली और सफाई की व्यवस्थाओं की बात यहां के ग्रामीणों ने कही है। वहीं सरपंच से जो बने आस ये रखते हैं कि जो मुद्दे हैं इनको प्राथमिकता दी जाए और इन मुद्दों को सबसे पहले शुरुआत कर जो शुरू किया जाए, ताकि जो गाँव के विकास कार्य 2 साल से रुके हैं बनने के बाद वो जल्द से जल्द पूरा हो और ग्रामीणों की जो मांगे हैं वो पूरा हो जाए और ग्रामीणों को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिले। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए खबरें अभी तक, मिलते हैं अगले गांव में।